जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों आरपीएससी रीट लेवल 2 का आपने एग्ज़ाम दिया था 2018 में, जो एग्ज़ाम हुई थी, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, रिस्पल होगा आपका। रिस्पल के लिए के बाद में आपका 6500 पदों पर आएगी वेटिंग। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है, रिक्त पदों को भरने की कवायद बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कब आपका स्टार्ट हो रहा है, कब तक आपका रिस्पल हो जाएगा और आपकी वेटिंग निकाल दी जाएगी। अगर आपके एक या दो नंबर से आप रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हो सकता है 3 नंबर तक आपका सिलेक्शन से चूक गए हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत से 6500 पदों पर, क्योंकि अभी तक अभ्यर्थी जो थे उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली, उसकी वजह से उन पे वेटिंग निकाली जाएगी। उसका प्रोसेस अभी स्टार्ट है, तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल आप सही देख पा रहे हो, रेट सीटों को बढ़ने की कवायद चेन फिर होगा। रिस्पल शिक्षक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय का मामला जिला आवंटन से पहले पूर्व में कार्य शिक्षकों से मांगी जाएगी सहमति। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल सेकंड में रिक्त रही सीटों को भरने के लिए एक बार फिर से चेन रिस्पल कर आरक्षित सूची जारी की जाएगी। चेन रिस्पल होने के बाद अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर फिर से जिलों का आवंटन होगा। हालांकि पूर्व में कार्य शिक्षकों से जिला आवंटन से पूरे सहमति मांगी जाएगी। कार्य शिक्षकों ने पूछा जाएगा कि चेन रिस्पल होने के बाद वे नए जिले में जाना चाहेंगे या फिर पूर्व में कार्य स्थान पर ही रहेंगे। ये सारी कार्रवाई 15 फरवरी तक पूरी करनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ओम कसेरा ने इस संबंध में समस्त डीयू प्रारंभिक को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और शिक्षक भर्ती 2018 लेवल सेकेंड के विभिन्न पदों को चयनित एवं कार्य ग्रहण कर चुके समस्त 21,000 से विकल्प पत्र प्राप्त कर स्कूलों के रिकॉर्ड में रखना होगा। वहीं शाला दर्पण पोर्टल पर भी अभ्यर्थियों का पर जिला रिस्पल में भाग लेने के लिए दी गई सहमति असहमति को भी दर्ज करना होगा। यह कार्य संबंधित पीओ और संस्था प्रधान को करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य के लिए एडीयू नोडल अधिकारी होंगे। विदित रहे कि शिक्षक भर्ती 2018 लेवल सेकेंड में करीब 6500 पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए चेन रिस्पल कर वेटिंग में रहे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। हाँ दोस्तों, 6500 पदों पर रीट लेवल 2, रीट लेवल सेकेंड आप बोल सकते हो, उस पे आपका वेटिंग आने वाला है। रिस्पल के होगा, रिस्पल के तहत आपका चेन होगा और आपकी आरक्षित सूची भी जारी कर दी जाएगी। जैसा कि इसमें भी देख पा रहे हो आप, 15 फरवरी तक ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट कर जाएगी। दोस्तों एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बनाया है तो डॉक्यूमेंट सारे बना लीजिएगा, जो बाद में नहीं बन पाते हैं क्यों, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह और आपका मूल निवास जाति प्रमाण पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट सारा आप बना लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। उसकी वजह से गवर्नमेंट युवाओं और बेरोजगारों को खुश करना चाहती है, जैसा कि हर भर्ती बहुत जल्दी हो रही है। जैसे 26,000 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है और भी कई LDC के रिजल्ट आना, और ये भी घोषणा हो चुकी है कि प्राध्यापक और सेकेंड ग्रेड की भी जल्द ही रिजल्ट और आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का ये कहना है कि हम कोई भी जो पेंडिंग है उनको सबको क्लियर करेंगे और नई भर्ती भी निकालेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।